किसी पे कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने आप पे डिपेंड करें, किसी पे कुछ एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आई थिंक को बाद में काफ़ी हर्ट करती है। रेस्ट करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम देवियों ते सजनों मित्रों सहयोग, की हाल चाल है, ठीक हो ना? तो आज हम हाजिर हुए न्यू वीडियो के साथ। तो आज हमने सोचा कि हम इंटरव्यू ले लेते हैं, तो इससे पहले हमने दो इंटरव्यू ले लेकिन किसी को पसंद ही नहीं है, तो आज हमने जो है वो बहुत ही अच्छी शख्सियत को अपने साथ बिठा रखा है, क्योंकि ये टीचर भी हैं और बहुत वेल क्वालिफाइड भी हैं। लेकिन आज हमें एक नुकसान ये उठाना पड़ा कि मैं पूरे 2.5 घंटे से इनका वेट करता रहा और ये 2.5 घंटे बाद यहाँ तशरीफ लाए। तो आइए इनसे जानते हैं, इनके बारे में इनसे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और इनके बारे में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे इंतजाम आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए, आप कैसे? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आ ही गए, जैसे भी मुश्किलों से आए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आप पहुँच ही गए 2.5 घंटे बाद। क्या करें, बस आपकी दुआएं होनी चाहिए, मैं पहुँच तो जाती हूँ। चले क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या? क्वालिफिकेशन मेरी मास्टर्स है, मास्टर्स मैंने मैथमेटिक्स किया था MCBA से, और उसके बाद बैचलर्स था मेरा, जो वो मेरा पंजाबी यूनिवर्सिटी से था, वो भी मैथ्स में था, और इंटर मेरा गैजन कॉलेज से है, और बैच जो मैट्रिक है मेरा वो पंजाब से लॉ बोर्ड। अच्छा जी, तो आपने मैथ्स में जो है वो मास्टर्स कर ली है। लोग मैथ्स में मास्टर्स कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हम लोग तो मैट्रिक में पास नहीं हो रहे मैथ की वजह से, भाई ये क्या राज? मैथ्स इतना मुश्किल तो नहीं है जितना समझा जाता है, बस आपको पिक करना होगा, जल्दी जल्दी पिक कर लो। तो मैथ इतना मुश्किल नहीं हो मेरा, क्योंकि शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे समझ भी अच्छे से आता था, तो इसलिए भी मैंने इसी के तरह कंटिन्यू करना, मैंने कहा चलो इसी को ले भी जाता हूँ। अच्छा, आपको कितने देर हो गई है टीचिंग करते हुए? टीचिंग में मुझे 9 साल हो गया, 9 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 8 से 7 किया था मैंने, उसके बाद 9, 10 फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर DA, D4 में थी, और बैचलर्स तक के सारे लेवल्स को मैथ्स एंड स्टैट्स में पढ़ा चुके। तो इसके अलावा आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं? फ्यूचर प्लान टीचिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन अब एक थोड़ा सा डिफरेंट प्लान मैंने सोचा है। आजकल आपको पता है लॉकडाउन के डेज हैं, तो लॉकडाउन के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्टूडेंट्स को, अकेडमी जाने में बाहर नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है, उसके बाद पेरेंट्स के दिल में भी थोड़ा सा डर है कि बाहर कोरोना के केसेस की वजह से, और दूसरा ये कि वैसे भी आजकल अकेडमीज में फीसिस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से मैंने प्लान किया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स और के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनसे उनको एक अच्छे लेक्चर्स मिल सके, उनको उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और फीसिस भी पे करने पड़ेगी, तो मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगा सबको ना जाना पड़े, इसलिए एक चैनल स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब का, इंशाल्लाह जल्दी उस पर वीडियोज भी अपलोड होगी। अच्छा जी, तो इसके अलावा मैथ के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं? मैथ्स के अलावा मेरी जो हॉबी है वो मैथ्स ही है, साथ में बुक रीडिंग का काफ़ी शौक है मुझे, वो मैं करता हूँ, उसके अलावा स्पोर्ट्स में रनिंग वगैरह और क्रिकेट थोड़ी बहुत खेलती हूँ। अच्छा, आपको इतनी देर हो गई है टीचिंग करते हुए, तो आपकी लाइफ में अच्छे स्टूडेंट्स भी आए होंगे, बुरे भी आए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा आपको अच्छे स्टूडेंट्स मिले थे क्या बुरे? नहीं, इस मामले में अल्लाह की काफ़ी ब्लेसिंग्स है मेरे पे कि मुझे इंशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ही मिले हैं, जब भी मिले। स्टडीज़ में तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन वैसे अदब में और रिस्पेक्ट में मुझे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं और मिलते रहे और इंशाल्लाह मिलते भी रहेंगे। और बाकी देखें, ज़रूरी नहीं होता कि अच्छा स्टूडेंट वही हो जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला हो या बहुत अच्छे ग्रेड लेता हो, अच्छे स्टूडेंट का मतलब होता है जो अदब करने वाला, वो हमारे टीचर्स होते थे जो अक्सर हमसे कहते होते थे कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, कि जो अदब करता है तो अल्लाह उसकी मुरादें भी पूरी करता है, तो मेरे ख्याल से बाअदब होना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो नहीं पढ़े लिखे तरक्की तो वो भी काफ़ी कर चुके हैं, तो आई थिंक सो बाअदब होना ज़रूरी है। अच्छा, कोई फ़नी मोमेंट, कोई छोटा सा फ़नी मोमेंट स्टूडेंट जब थे आप, या फिर जब आप बच्चों को पढ़ा रहे थे टीचिंग के दौरान, कोई फ़नी मोमेंट? अपनी मोमेंट एक ऐसा है जो मुझे अभी भी याद आता है, तो काफ़ी मतलब आजकल के बच्चों को आपको पता है आजकल इंग्लिश का काफ़ी स्कोप हो गया, तो लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और स्पेशली गर्ल्स जो हैं वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश को मतलब करती हैं, और उर्दू तो आजकल के बच्चे भूलते ही जा रहे हैं, उनको जैसे हमारे टाइम में था कि उर्दू पढ़नी नहीं पड़ती थी, याद ही करनी पड़ती थी,
आज सेम जो सीन है वो आजकल के बच्चों के साथ है, क्योंकि इंग्लिश नहीं याद करनी पड़ती लेकिन उर्दू का पेपर देखते हुए दोनों काफ़ी होता है। तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा था कि मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बच्चों का ना एग्ज़ाम चल रहा था, तो अब वहाँ पे हुआ कि एमसीक्यूज थे तो बच्चे एमसीक्यूज कर रहे थे, तो एक बच्ची ने मुझसे कहा कि सर ये क्या, मैंने कहा क्या हुआ, तो बच्ची मुझे कहती सर पेपर में ईश्वरिया राय का ऑप्शन आया हुआ। मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि ईश्वरिया राय का क्या काम है पेपर में, तो मैंने कहा चल चलो दिखाओ मुझे मैं देखूँ। तो जब मैंने देखा तो वो ईश्वरिया राय नहीं ईश्वर राय था, तो मतलब ये हालत थी बच्चों की। तो वो मोमेंट है जो मुझे भी बोलता है कि यार क्या यार बोलते कितना भी बुरा। अच्छा जी, तो लास्ट में आप क्या पैगाम लगाओगे? पैगाम यही कि सबके लिए कि अपने गोल्स वगैरह सेट करके रखें, बच्चे स्पेशली जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो मतलब मैट्रिक इंटर कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है फ्यूचर में। तो एक तो ये कि अपने हमेशा गोल शुरू से सेट करके रखें, और ये ना सोचें कि जिसमें इसमें किसमें स्कोप ज़्यादा हो, ये ना देखें, बस ये देखेंगे कि किसमें उनका इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि जब इंटरेस्ट होता है ना तो स्कोप जाता है, तो इंटरेस्ट देखें। और दूसरा ये कि लोगों से एक्सपेक्ट ना करें, किसी पर कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने आप पर डिपेंड करें, किसी पर एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आई थिंक बाद काफ़ी हर्ट करती है। बेस्ट करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ो। बिल्कुल जी, उम्मीदें ख्वार करती हैं। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये सियालकोट से स्पेशल हमारे लिए हमसे मिलने के लिए आए हैं, और सर बहुत शुक्रिया आपका, और आपने इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मैं इनका